शशांक, माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 था परमाणु एवं अणु। हमने इसमें चैप्टर 3.3 कंप्लीट किया था। आज हम 3.4 का फर्स्ट देखेंगे। ओके, तो सरल यौगिकों के सूत्र, मतलब हम जो यौगिक हैं जैसे कि H2O है ना, तो उसको सूत्र के द्वारा कैसे दर्शाया जाता है ये हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें दो तत्व होंगे। ठीक है, जैसे कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको द्विअंगी यौगिक कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है, आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं। ठीक है, हम आगे जब करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकता को क्रॉस करके अणु सूत्र लिखते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र है। ठीक है, जिसको हम HCl लिखते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका तत्व प्रतीक क्या है, हाइड्रोजन का तत्व प्रतीक है H, क्लोराइड का है Cl। ठीक है, क्लोरीन का। तो इसको लिखने के लिए हम इसकी संयोजकताएं लिखते हैं। तो हाइड्रोजन की संयोजकता एक है और क्लोरीन की भी संयोजकता एक है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, HCl। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। आप देख रहे हो यहाँ पे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड को H2S लिखा जाता है। तो इसमें हाइड्रोजन की संयोजकता दो, सल्फर की संयोजकता एक। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब कार्बन और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, कार्बन की संयोजकता एक, क्लोरीन की चार। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम का एक जो कि निगेटिव में है, मतलब ऋणात्मक है, इसमें ऋण आयन होते हैं। ठीक है, और क्लोरीन का दो, इसमें दो धन आवेश होंगे। ठीक है, उसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3, एल्यूमिनियम का दो, ठीक है, इसमें ऋण आवेश होंगे, और ऑक्सीजन का इसमें तीन धन आवेश होंगे। चलिए आगे देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, तो कैल्शियम का दो ऋण आवेश, ऑक्सीजन का दो धन आवेश। ठीक है, अब हम ये तो हो गए द्विपरमाणु द्विअंगी यौगिक। ठीक है, जिसमें कि क्या होते थे, दो तत्व होते थे और इसके परमाणु क्या होते थे, एक या दो होते थे जिसमें। अब हम बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक देखेंगे, जिसमें आयनों की संख्या क्या होती थी, सॉरी क्या होगी, चलिए देखते हैं। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम की संयोजकता एक और नाइट्रेट की NO3 की एक, वो भी धन आयन में। ठीक है, इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप देख रहे हो CaOH2, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम सल्फेट SO4। ठीक है, तो ये हो गए कुछ यौगिकों के सूत्र। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसको मतलब आपको सूत्र लिख के बताना है, आप कमेंट करके बता सकते हो। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको किस तरह से लिखा जाएगा आप बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों के नाम लिखिए, Al2SO4 3, इसको क्या बोलते हैं ये आप बताएंगे, CaCl2, K2SO4, KNO3, CaCO3। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। 3.5, आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना।
तो 3.5 का 1 है आणविक द्रव्यमान। फ्रेंड्स, हम पीछे देख चुके हैं कि परमाणु द्रव्यमान है ना क्या होता है, उसको हम समझ चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे कि आणविक द्रव्यमान को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। ओके, इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे हम परमाणु द्रव्यमान इकाई मतलब यू के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसको भी एग्जांपल से देखेंगे। अब पहला उदाहरण है जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1U, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U है। ठीक है, तो अतः इसमें जल 2 परमाणु हाइड्रोजन एवं 1 परमाणु ऑक्सीजन होते हैं का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पर जो सूत्र दिया है उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से तो ये कितना आएगा, कितना आया है 18.4। ओ सॉरी, 18U होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करें। तो नाइट्रिक अम्ल के आणविक द्रव्यमान बराबर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, मतलब इस तरह से हम हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1U, ऑक्सीजन का 16U और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14U होता है। ठीक है, HNO3 का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा 63U। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैप्टर काफ़ी लंबे हैं और मेरा वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3.5 का 2, सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। मतलब अब सूत्र द्रव्यमान निकालने के लिए किस तरह से निकालेंगे, तो उसी प्रकार से निकालेंगे जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया। ठीक है, इसमें अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल लेंगे सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, तो इसमें इकाई सूत्र मतलब सोडियम क्लोराइड का इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये आप देख रहे हो, इस तरह से हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। तो CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड के, तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है, CaCl2 है ना। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40U, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5U। तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर, तो इस तरह से यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 111U आएगा। ठीक है, आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अब चलिए हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला है निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। यहाँ पर जितने भी यौगिक दिए गए हैं इसमें से, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप सभी क्वेश्चन का आंसर दिया करो, आप जो नोट्स बना रहे होंगे या फिर घर में प्रैक्टिस तो करते ही होंगे, तो आप इन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस किया कीजिए, जिससे आपको मतलब आपकी पकड़ मजबूत होगी, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन उठा के दे देंगे तो आप बना सकोगे। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे कमेंट करके ही बताओ, ओके, आंसर इसका दो। आप अपने नोट्स में इन क्वेश्चन को ऐड कर लो, मैं इसीलिए यहाँ पर प्रश्न मतलब क्वेश्चन देती हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए।
तो यहाँ पर और क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी देख लीजिए आप, इकाई द्रव्यमान निकाल के बताइएगा। तो यहाँ पर जिंक का परमाणु द्रव्यमान है 65 U, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है 23 U, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 U, कार्बन का 12 U, ये 12 है, 124 जैसे दिख रहा है पर ये 12 U है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है 16 U, ठीक। तो इस तरह से आप इन परमाणु द्रव्यमान का यूज़ करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3.5 का 3 मोल संकल्पना। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेंगे जिससे हम जिसमें जल निर्मित होता है, ठीक है। तो आगे हम पहले ये जान लेते हैं मोल संकल्पना क्या होता है, ठीक है, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे। तो किसी स्पीसीज मतलब परमाणु अणु आयन या कण के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है, ठीक है। तो किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 और तो फ्रेंड्स ये 6.022 10^23 ये क्या कहलाता है, यही एवोगाड्रो संख्या कहलाता है, ठीक है। और एवोगाड्रो संख्या मतलब जिसको एवोगाड्रो भी बोला जाता है को हम एन, ये 0 है ओ नहीं है, तो इसी से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम मान लो हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के दो अणु बनाते हैं ना, और हाइड्रोजन अणु के 4 U ऑक्सीजन अणु के 32 U के साथ संयोग करके 36 U जल अणु बनाते हैं, ठीक है। तो जो हमने एग्जांपल मैंने अभी बताया आपको जल का, तो इससे यह निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से या उसके परमाणुओं की संख्या से हमको अभिलक्षित होती है, मतलब जिसे परमाणुओं की संख्या से हम उसके द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। पर एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की संख्याएं सीधे प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमान के आधार की अपेक्षा उनके अणुओं या परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना बहुत अधिक सुविधाजनक होता है, ठीक है। इसलिए एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई, ओके। तो जिस जो मैंने बताया आपको मोल संकल्पना मतलब मोल की परिभाषा कि किसी स्पीसीज परमाणु अणु आयन या कण के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है, ठीक है, क्या कहलाती है, मोल कहलाती है, ओके। तो किसी पदार्थ के एक मोल में कण मतलब परमाणु अणु या आयन उसकी संख्या निश्चित होती है जिसका मान कितना होता है 6.022 10^23 होता है, ठीक है। और ये मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया, इसको एवोगाड्रो स्थिरांक या एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, जिसको किससे निरूपित किया जाता है, तो एन और ये छोटा सा 0 लगा हुआ होता है उसमें, ठीक है। और ये नाम कैसे पड़ा, तो ये एक इतावली वैज्ञानिक थे एमिडियो एवोगाड्रो, ठीक है, उन्हीं के सम्मान में ये नाम रखा गया है, ठीक है। तो एक मोल किसी पदार्थ के का छः 6.022 10^23 संख्या में जैसे कि एक दर्जन बराबर 12 होते हैं और एक ग्रूस बराबर 144 होते हैं, ठीक है, उसी तरह एक मोल बराबर 6.022 10^23 होता है, ठीक है। तो किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है, इसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी
कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल था हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 μ होता है और हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 1 γ होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मोल एक संख्या से संबंधित है, पर दर्जन या ग्रूस की तुलना में इसका और लाभ है, वह यह है कि किसी विशिष्ट पदार्थ के 1 μ में द्रव्यमान निश्चित होता है, ठीक है, और किसी पदार्थ के 1 μ का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान मतलब ग्राम में के बराबर होता है, ठीक है, और किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई यू में प्रदान करता है, और किसी तत्व के परमाणुओं के 1 μ का द्रव्यमान जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं हमें उसी संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा, पर इकाई को यू से मतलब जी में परिवर्तित करना होगा, मतलब ग्राम में परिवर्तित करना होगा, ठीक है, और परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, याद रखिएगा मोलर द्रव्यमान और ग्राम परमाणु द्रव्यमान एक ही चीज़ है, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर 1 μ और हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 1 γ होगा, ठीक है। तो 1 μ हाइड्रोजन में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं तथा 1 γ हाइड्रोजन में उसके 1 μ परमाणु होते हैं, मतलब इसमें 6.022×10³³ हाइड्रोजन परमाणु होंगे, ओके। चलिए यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, एक और एग्जांपल मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ। 16 μ ऑक्सीजन में केवल एक ऑक्सीजन परमाणु होता है, मतलब 16 γ ऑक्सीजन में उसके 1 μ परमाणु होंगे, मतलब उसमें 6.022×10³³ ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, ठीक है। और किसी अणु के 1 γ अणु द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हम उसके संख्यात्मक मान जो उसके अणु द्रव्यमान के बराबर होता है को उसी तरह से रखते हैं, पर हमें इकाई को यू से ग्राम में परिवर्तित करना होता है, ठीक है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हम पहले ही जल के अणु द्रव्यमान का परिकलन कर चुके हैं जिसका मान 18 μ होता है, और यहाँ से हमें यह प्राप्त होता है कि 18 μ जल में जल का केवल 1 अणु होता है ना, और 1 γ जल में जल के 1 μ अणु होते हैं, मतलब उसमें 6.022×10³³ जल के अणु होंगे, ठीक है। और जो रसायनज्ञ हैं है ना, जो साइंटिस्ट लोग हैं, तो उनको मतलब अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए परमाणु और अणु की संख्याओं की आवश्यकता होती है, और जिसके लिए उन्हें द्रव्यमानों को ग्रामों में और संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है। और इसको किस प्रकार से करते हैं, तो 1 μ बराबर 6.022×10³³ बराबर जो कि ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। इसलिए जो रसायनज्ञ हैं उनके परिकलन की इकाई मोल है, ठीक है, वो किसी भी पदार्थ को मोल में क्या करते हैं, मोल में ज्ञात करते हैं, ओके। और सन 1896 में विलहेम ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था, किसने किया था, विलहेम ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था, जो एक लैटिन शब्द मोल से उत्पन्न हुई है, और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ढेर, है ना, या हीप, हीप बोला जाता है जिसको, जो किसी पदार्थ को परमाणु या अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जाता है। और सन 1967 में मोल इकाई क्या है, स्वीकार की गई, जो परमाणु और अणुओं की बहुत अधिक संख्या को निरूपित करने का बहुत सरलतम उपाय है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम इसके एग्जांपल देख लें, और
मोल की मुझे लगता है यहाँ पर कोई पेज मिसिंग है, मुझे देखना पड़ेगा। बस यही लास्ट है। कार्बन, यहाँ पर हम ये चार्ट देख लेते हैं। कार्बन परमाणुओं का एक मोल बराबर कितना होगा? 6.022×10³³ कार्बन के परमाणु, तो इसमें कितने ग्राम कार्बन होंगे? 12 ग्राम कार्बन। इसी तरह हाइड्रोजन परमाणुओं का एक मोल, 1 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, तो इसको कितना होगा? तो 6.022×10³ हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। इसी प्रकार किसी भी कण परमाणु अणु अथवा आयन का एक मोल 6.022×10³ उस कण की संख्या और उन कणों का सापेक्ष द्रव्यमान ग्राम में, ठीक है। अणुओं का एक मोल 6.022×10³ अणुओं की संख्या और आणविक द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, ठीक है। तो ये क्या था? मोल, अवोगाद्रो संख्या और द्रव्यमान के बीच संबंध, तो उसी का ये चार्ट था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? तो सीखा कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तनीय होता है और यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। और फिर हमने क्या देखा? स्थिर अनुपात का नियम, है ना। तो उसमें क्या बोला गया कि एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं और इसी को निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं, ओके। और तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, है ना, नहीं रह सकता। और इसके सभी रासायनिक गुणधर्म, किसी भी तत्व के सभी रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, ओके। अब अणु क्या होता है? तो अणु किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है, जबकि परमाणु क्या है? वो स्वतंत्र नहीं रह सकता और अणु स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, ओके। फिर नेक्स्ट क्या देखा हमने कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संघटक तत्व तथा संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखा हमने परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं और उसके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है, है ना, धन आवेश और ऋण आवेश। नेक्स्ट देखा हमने आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखा हमने आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। फिर नेक्स्ट देखा हमने वैज्ञानिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमानों की तुलना करने के लिए सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान स्केल का उपयोग करते हैं। क्या था वो? कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्दिष्ट किया जाता है और अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं का सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के साथ तुलना करके प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखा हमने 6.022×10³ अवोगाद्रो स्थिरांक है जो कि 12 ग्राम में विद्यमान कार्बन के परमाणुओं की संख्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखा मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या परमाणु आयन अणु या सूत्र इकाई इत्यादि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है, ओके। फिर लास्ट था कि पदार्थ के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है, ओके। तो ये था हमारा रिवीजन। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मोलों की संकल्पना का परिकलन कीजिए, संख्या का परिकलन कीजिए। तो 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए, 12.0 प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिए, मोल की संख्या n, दिया गया द्रव्यमान m, मोलर द्रव्यमान कैपिटल m, दिए गए कणों की संख्या
कैपिटल एन और कणों की अवोगाद्रो संख्या एन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर परमाणु हीलियम परमाणु का द्रव्यमान बराबर 44 और सॉरी 4U। यहाँ पर मैं U बनाती हूँ, वो 4 जैसे लगता है आपको, ये U है। ठीक है, 4U। और हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना है, 4 ग्राम। तो मोलों की संख्या क्या होगी, तो दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ N बराबर M बटे M, यहाँ से आप देख लीजिएगा ये M क्या है, M और कैपिटल M और स्मॉल m क्या है, N क्या है। तो इस तरह से यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 13 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि 1 मोल बराबर 6.22 10^23, तो मोलों की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। तो इस तरह से हम इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब कल से हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।